हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्राचन हिंदी टेक में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हेल्पफुल होने वाला है उनके लिए जिसका पीएफ का यूएन नंबर नहीं पता होगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपना यूएन नंबर देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप देख रहे हैं प्रसन्न हिंदी टेक। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना यूएन नंबर जानने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए। अगर मोबाइल से करते हैं तो राइट साइड में जो ऊपर थ्री डॉट्स मिलता है उसमें क्लिक करके जो पेज है डेस्कटॉप साइड में सिलेक्ट कर लीजिए। डेस्कटॉप साइड में सिलेक्ट हो जाने के बाद जो सर्च बटन है उसमें आप आइए और टाइप कीजिए EPFO। टाइप हो जाने के बाद सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद जो आपका पेज आएगा, न्यू पेज आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप स्क्रीन में, वहाँ पर देखिएगा लिखा होगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन में। इसमें क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन या फिर लैपटॉप स्क्रीन में और एक न्यू पेज ओपन होगा इस टाइप का, जहाँ पर आपको बहुत सारा डिटेल्स मिलेगा। जहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई देगा सर्विस, आपको सिर्फ सर्विस बटन में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आता है आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है जो कि है फॉर एम्प्लॉयज़, इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद और एक न्यू स्टेप ओपन होगा जहाँ पर आपको दिखाई देगा, नीचे ऑप्शन में आइएगा जहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन में मिलेगा मेम्बर यूएन ऑनलाइन सर्विस। आपको इस बटन में, इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। सेम इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद और एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पर जो पेज आएगा उस पेज को आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे जहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन मिलता है नो योर यूएन, आपको नो योर यूएन ऑप्शन में क्लिक कर देना है। नो योर यूएन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन में और एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा, लिखा होगा नो योर यूएन। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देना होगा, कैप्चा कोड देना होगा और रिक्वेस्ट ओटीपी में क्लिक करना होगा। तो चलिए हम लोग इसमें अब हम लोग का मोबाइल नंबर और यूएन नंबर टाइप कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा मोबाइल नंबर और जो कैप्चा है वो टाइप हो चुका है। टाइप हो जाने के बाद हम लोग के पास नीचे ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट ओटीपी। हम लोग इस रिक्वेस्ट ओटीपी बटन में क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी बटन में क्लिक करने के बाद कुछ अलर्ट आएगा जहाँ पर लिखा होगा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। यहाँ पर ओके बटन में हम लोग क्लिक कर देंगे। ओके बटन में क्लिक करने के बाद हम लोग के मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को हम लोग को यहाँ पर टाइप करना होगा जहाँ पर ओटीपी लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग को ओटीपी टाइप करना होगा। नीचे हम लोग को जो कैप्चा कोड दिया हुआ, कैप्चा कोड टाइप करना होगा। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी में क्लिक करना होगा। तो चलिए, हम लोग का ओटीपी और कैप्चा कोड दोनों टाइप हो चुका है। दोनों टाइप हो जाने के बाद हम लोग को नीचे जो ऑप्शन मिलता है वैलिडेट ओटीपी, वैलिडेट ओटीपी बटन में हम लोग को क्लिक कर देना होगा। तो चलिए वैलिडेट ओटीपी बटन में क्लिक करते हैं। वैलिडेट ओटीपी बटन में क्लिक करने के बाद और ओटीपी अलर्ट आएगा जहाँ पर लिखा होगा ओटीपी वैलिडेशन सक्सेसफुल। ये मैसेज आप देखने के बाद नीचे जो ओके बटन मिलता है, ओके बटन में हम लोग क्लिक करेंगे। ओके बटन में क्लिक करने के बाद और एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पर हम लोग का नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर हम लोग का कुछ डिटेल्स सिलेक्ट करना होगा, या आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर मेंबर आईडी यहाँ पर हम लोग को देना होगा। उसके बाद हम लोग का जो नीचे कैप्चा कोड मिलता है, कैप्चा कोड भी टाइप कर देना होगा। तो चलिए, यहाँ पर मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, हम लोग यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट किए हैं। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर मेंबर आईडी। आप जो भी सिलेक्ट कीजिएगा उसका नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा। तो मेरा यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है, हम यहाँ पर आधार का नंबर टाइप कर चुके हैं। उसके बाद नीचे देखिए एक कैप्चा कोड दिया हुआ है, कैप्चा कोड को भी आपको टाइप कर देना है। कैप्चा कोड टाइप हो जाने के बाद नीचे हम लोग को ऑप्शन मिलता है शो माई यूएन, यहाँ पर हम लोग को क्लिक कर देना है। सो माई यूएन में क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप स्क्रीन में आपका यूएन नंबर शो करेगा। तो देखिए, मेरा सो माई यूएन में हम क्लिक कर चुके हैं। क्लिक करने के बाद कुछ टाइम लगता है। टाइम करने के बाद आपका मोबाइल स्क्रीन में योर यूएन इज हेयर बोल के ऑप्शन लिखा आएगा, जहां पर नीचे आपका यूएन नंबर लिखा होगा। उसके बाद आपका नीचे ओके लिखा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यही आपका यूएन नंबर है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपकी ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।